हेलो गाइस, वेलकम बैक टू निकुंज ट्रैवलॉजी। सो आज हम जा रहे हैं कुंडा रिसोर्ट। तो कुंडा रिसोर्ट के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इस वीडियो में। सो आज हमारे जर्नी में साथ है यश, जो मेरा नेफ्यू है। सो आज दो दिन हम घूमने वाले हैं यहीं पे। तो आज सैटरडे है, तो अभी हम आज स्टे करने वाले हैं कुंडा रिसोर्ट में। सो अभी हम वगई से आगे आए हैं। वगई से हमने क्रॉस किया बोटानिकल गार्डन और उसके बाद गीरा डोट, और गीरा डोट के जस्ट 2 या 3 किलोमीटर आगे आए हैं। और कुंडा जो रिसोर्ट है वो थोड़ा आगे से हमें अंदर राइट तरफ जाना है। आपको मेरे भी बैक साइड वो ब्रिज दिख रहा है, तो वहाँ से हमें अंदर जाना है कुंडा रिसोर्ट के लिए। ये जो मेन रोड है वगई सापुतारा वाला, तो उसी रोड पे कुंडा रिसोर्ट है, सिर्फ आपको थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी जर्नी, और वीडियो को एंड में लास्ट तक देखते रहना, क्योंकि वीडियो के एंड में आपके लिए एक फायदे की बात करने वाला हूं। सो वीडियो को एंड तक देखते रहना। जैसे ही थोड़ा आप अंदर आओगे तो आपको दो रास्ते मिलेंगे, एक जाता है राइट की ओर और एक जाता है लेफ्ट की ओर। तो आपको लेफ्ट साइड पे जाना है। तो आपको हर जगह पे आपको कुंडा रिसोर्ट के बोर्ड दिखेंगे और वो आपको फॉलो करते हुए जाना है। हम पहुंच गए हैं कुंडा रिसोर्ट, और आप मेरे बैक साइड देख सकते हो, ये है एंट्रेंस और यहाँ पे है पार्किंग एरिया। और ये जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ही बड़ी प्रॉपर्टी है। क्रिकेट खेल सकते हो आप यहाँ पे, कैरम इंडोर गेम भी खेल सकते हो, कैरम है या तो फिर टेबल टेनिस है, बहुत कुछ है। सो चलिए अभी जाके हम देखते हैं। एंटर होके ही वेलकम ड्रिंक से हमारा स्वागत हुआ है यहाँ पे। कुंडा रिसोर्ट एक ऐसा प्लेस जहां पे आप नेचर की गोद में वॉलीबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, बास्केटबॉल खेल रहे हो, ऐसा आप महसूस करोगे। और यहां पे सिर्फ आउटडोर गेम्स ही नहीं, यहां पे आप इंडोर गेम भी खेल सकते हो, जैसे कि कैरम, टेबल टेनिस। और यहां पे आप दूसरी सारी फिजिकल एक्टिविटीज भी कर सकते हो। सो गाइज, अभी हम हमारे रूम की तरफ जा रहे हैं, और ऐसे भी रूम्स है अवेलेबल यहाँ पे, वो मैं सब आपको दिखाऊंगा किसने प्रकार के यहाँ पे रूम्स अवेलेबल है। सो चलिए अभी जो हमने बुक किया है उसकी तरफ चलते हैं। सो गाइज, ये है पाइप रूम। सो अभी हम ये पाइप रूम में ही रुकने वाले हैं, तो मैं आपको टूर करवा देता हूँ पाइप रूम का। तो यहाँ पे एक बेड दिया है और फैन है और लाइट्स है, ऊपर भी एक लाइट्स है आप देख सकते हो। और यहाँ पे मैंने मेरा बैग रख दिया है, और नीचे भी सामान रखने के लिए यहाँ पे जगह दी गई है। सो आप यहाँ पे आराम से सो सकते हो।
और वॉशरूम वगैरह, वॉशरूम जो है ये सभी के लिए यहाँ पे दिया है वॉशरूम, तो आप यहाँ पे अपना जो भी कुछ है कार्यक्रम वो कर सकते हैं। सो गाइज, अभी हम डिनर करने के लिए आए हैं यहाँ पे। ये किचन है, किचन एरिया है और बहुत ही बड़ी जगह है। यहाँ पे आराम से 30 से 40 लोग बैठ सकते हैं इस एरिया में एक साथ खाना खाने के लिए। और यहाँ का जो मेनू है वो फिक्स रहता है, जो इसका रेंट है हर एक रूम का अलग अलग पर पर्सन, तो इसमें खाना भी इंक्लूड है। लंच का सुबह ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर इंक्लूडेड है और दोपहर में चाय भी इंक्लूड है और सुबह भी। ये है बैंगन का भरता, ये आलू लसनिया की सब्जी, अचार, फ्राई पापड़, बाजरे की रोटी, चपाती, रोस्टेड पापड़, दांगी सलाद और शीरा, एंड यहाँ पे हमने बाद में कढ़ी खिचड़ी भी खाई थी। इतनी सारी आइटम थी और ये जो सभी आइटम है वो बहुत ही टेस्टी थी, खास करके आलू लसनिया की सब्जी और बैंगन का भरता बहुत ही टेस्टी था और खिचड़ी भी यहाँ की बहुत ही टेस्टी थी। मॉर्निंग गाइज, अभी जस्ट हम उठ के रेडी हो गए हैं, फ्रेश हो गए हैं। चलिए अभी मैं आपको पूरा रिसोर्ट का टूर करवाता हूँ, यहाँ पे कितने प्रकार के रूम्स हैं और क्या क्या है। ब्रेकफास्ट में पोहे, लहसुन की चटनी और मेथी के थेपले, एकदम हैवी ब्रेकफास्ट हो गया है और ब्रेकफास्ट बहुत ही टेस्टी है। कुंडा रिसोर्ट पे बहुत सारे लेवल्स है। ये जो पूरा रिसोर्ट है एक पहाड़ पे है और उसमें फर्स्ट लेवल पे जो है जहाँ पे अभी हम खड़े हैं ये ग्राउंड लेवल है, सॉरी फर्स्ट लेवल है जहाँ पे ये पूरा प्लेइंग एरिया है। सो प्लेइंग जोन है ये, यहाँ पे आप आउटडोर गेम्स खेल सकते हो, वॉलीबॉल, क्रिकेट हो, बास्केटबॉल हो, फिर यहाँ पे ये सब एक्टिविटीज़ है तो वो आप कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे कुंडा रिसोर्ट में तो बहुत कुछ है, यहाँ पे आप साइकिलिंग भी कर सकते हो और इंडोर गेम्स तो मैंने आपको दिखाई कल, तो वो भी आप खेल सकते हो। और उसके सेकंड लेवल पे जो है वो कॉटेज रूम्स है, तो चलिए अभी उसकी तरफ जाते हैं। और उसके ऊपर है जो हम जहाँ पे हमने स्टे किया था, ट्यूब रूम है। ट्यूब रूम आपका हो या तो फिर आप उसको पाइप रूम कहो या तो फिर आपको कैप्सूल रूम कहो, जो भी कहो सब एक ही है। तो चलिए अभी हम जाते हैं सेकंड लेवल की ओर। अभी जो आप मेरे बैक साइड देख रहे हो वो है कॉटेज रूम, तो यहाँ पे भी आप बुक कर सकते हो। ये भी डिफरेंट टाइप का रूम्स है, पूरी जो लकड़ियों से बना है ये। जो अभी कॉटेज रूम है तो वहाँ का मैं टूर करवा जा रहा हूँ आपको। ये बेड है, देखिए कितना खूबसूरत ये रूम है और बहुत ही कम्फर्टेबल साइज़ है, ये छोटा भी नहीं है, बहुत ही बड़ा है ये। और ये वॉशरूम है, ये वॉशरूम है, वॉशरूम भी काफ़ी बड़ा है। ये है थर्ड लेवल जहाँ पे है कैप्सूल रूम्स, तो वो तो मैं पहले आपको दिखा ही चुका हूँ लेकिन फिर भी अभी दिखा देता हूँ, बहुत ही अच्छी जगह है ये। कुंडा रिसोर्ट के रूम बुक करने के लिए मैंने बुकिंग नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वो बुकिंग नंबर से यहाँ पे रूम बुक कर सकते हो और हो सके तो आप एक या दो वीक पहले एडवांस में बुक करें। अभी जो आप मेरे बैक साइड देख रहे हो वो है सारे कॉन्क्रीट, मतलब कि ये नॉर्मल रूम है, और वो जो आपने देखे कॉटेज रूम और पाइप रूम या तो फिर कैप्सूल रूम वो थोड़े डिफरेंट है, और ये नॉर्मल रूम्स है जैसे होटल्स में होते हैं। आप देख सकते हो बहुत ही बड़ा एरिया है, बहुत ही बड़ी प्रॉपर्टी है ये, और जब टेंट वगैरह लगाना होता है तो इस साइड पे टेंट वगैरह भी लगते हैं। आप जैसे भी बुक करते हो उस हिसाब से आप यहाँ पे रह सकते हो। अभी जहाँ पे हम खड़े हैं वो टेरेस है, ये जो कंक्रीट रूम्स है उसके ऊपर हम खड़े हैं, तो यहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा है और यहाँ से आपको पूरा रिसोर्ट दिखेगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो ये है पाइप रूम, ये कॉटेज रूम है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे लाइन से पूरे कॉटेज रूम्स है। और उसके नीचे अगर आप देखोगे तो ये जो है ये रिसेप्शन एरिया है, और वो जो है वो किचन एरिया है। ये वाला जो रिसोर्ट है वो पूरे पहाड़ों के बीच में है, आप देख सकते हो मेरे चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़।
पर ये रिसोर्ट के बहुत ही नज़दीक 1 ही किलोमीटर के डिस्टेंस पे वाटरफॉल है, तो थोड़ी देर में हम वहाँ पे भी जाएंगे। आपको बताया था कि आपके लिए एक फ़ायदे की बात है, तो वो देखने के लिए, वो सुनने के लिए आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सो गाइज, यहाँ पे स्टे करने के मैं बहुत सारे रीजंस दे सकता हूँ। उसमें से पहला है कि ये जो रिसोर्ट है वो पूरे पहाड़ों के बीच में है, तो नेचर के बहुत ही करीब है ये रिसोर्ट। और दूसरा रीज़न है कि सोशल मीडिया जो दुनिया है उससे आप पूरा डिसकनेक्ट हो जाओगे। यहाँ पे नो नेटवर्क जोन है, सो आप जिसके साथ आए हो यहाँ पे उसके साथ अच्छे से बातें कर सकते हो, खेल सकते हो, बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हो। तो ये दूसरा रीज़न है। और तीसरा रीज़न ये है कि आप दुनिया की चहल पहल जो सिटीज एरिया है उससे आप पूरा डिसकनेक्ट होकर यहाँ पे आराम से पीस आपको यहाँ पे फील पीस फील होगी यहाँ पे। नेक्स्ट रीज़न जो है वो पॉल्यूशन फ्री एरिया है ये, तो आपको यहाँ पे पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं, आपको फ्रेश एयर मिलेगी यहाँ पे। और आप अगर कोई और होटल में स्टे करोगे तो आपको वहाँ पे एक ही प्रकार के रूम्स मिलेंगे, यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के रूम है, तो आप वो भी एंजॉय कर सकते हो। और यहाँ पे पास में एक वाटरफॉल भी है, तो उसका भी मज़ा आप ले सकते हो। और यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ से, तो वहाँ पे भी जा सकते हो। नेक्स्ट रीज़न जो है वो फूड, यहाँ का फूड इतना टेस्टी है, मैंने कल डिनर भी किया, आज सुबह ब्रेकफास्ट भी किया, बहुत ही अच्छा यहाँ पे फूड है और हेल्दी फूड है और ऑर्गेनिक बोल सकते हो आप, ऐसा फूड है, कोई केमिकल यहाँ पे यूज़ नहीं करते वो लोग, और आपको सिंपल खाना देते हैं और वो जो बहुत ही हेल्दी होता है। और यहाँ पे आप अच्छे से फोटोशूट कर सकते हो, अलग अलग टाइप्स के रूम हैं, तो उसके बाहर और नेचर के करीब बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ पे। और कितने दिन चाहिए आप एक बार सोशल मीडिया जो अपनी दुनिया है जिसमें हम लगे रहते हैं मोबाइल में, उससे आप एक बार डिसकनेक्ट होके तो देखो, बहुत ही मज़ा आएगा, मुझे भी बहुत मज़ा आया है। कल यहाँ पे हम आए थे शाम को 6 बजे और तब से लेके अभी आज मॉर्निंग है 10, 11, 12 बजे तक हमें मतलब कि कोई सोशल मीडिया लाइफ नहीं है हमारी, तो ऐसे ही लाइफ हम एंजॉय कर सकते हैं। अभी हम वाटरफॉल पे जाके आ गए हैं और वो जो वाटरफॉल है उसका नेक्स्ट वीडियो आएगा थोड़ी बहुत ही जल्द। और कुंडल छत पर अभी हम लंच करने के लिए रुके हैं, लंच करने के बाद हम यहाँ से चेकआउट करेंगे और फिर निकलेंगे अपने घर की ओर। और मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि था कि आपकी फ़ायदे की बात है, तो ये फ़ायदे की बात ये है कि अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो, अगर आप निकुल ट्रैवलॉजी के सब्सक्राइबर हो, तो आपको यहाँ पे 10% डिस्काउंट मिलेगा ये रिसोर्ट में। तो आपका जो भी रूम का रेंट होगा उस पर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये आपके लिए फ़ायदे की बात है। बहुत ही अच्छी रिसोर्ट है, आप एक बार विजिट कीजिए, यहाँ पे एंजॉय कीजिए, वैकेशन मनाइए यहाँ पे, बहुत ही अच्छी जगह है। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको यहाँ पे आके सब्सक्राइब नहीं करना है, आपको पहले से ही सब्सक्राइब करके यहाँ पे आना है, तो अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ के लोकल्स के द्वारा बनाई गई बैम्बू ज्वेलरी आप यहाँ से खरीद सकते हो। ये सभी बैम्बू ज्वेलरी जो है वो हैंडमेड है। कुंडा रिसोर्ट से बहुत ही नज़दीक एक वाटरफॉल है, उसका नज़ारा कुछ ऐसा है। ये वाटरफॉल का फुल वीडियो आपको कुछ ही दिनों में मिल जाएगा।